हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो जो कटिंग लगाने का बेस्ट टाइम होता है वो बरसात का होता है या फिर हम सर्दी में जब लगा सकते हैं, पर अगर आप जिस तरीके से जो मैं बताऊंगा वैसे ट्राई करेंगे तो पूरे साल कटिंग लग सकती है। उससे आप सिंगोनियम हुआ, मनी प्लांट हुआ, स्वीट पोटेटो वाइन हुआ, वन रिंग जो हुआ, ऐसे बहुत तरह के प्लांट है जिसपे आप ट्राई कर सकते हो और वो सक्सेसफुली कटिंग लगेगी। ये मैंने जो ट्राई करा था मैंने सिंगोनियम के ऊपर करा था, तो मैं बताता हूँ आपको उसमें करना क्या है। आपको नॉर्मली जब हम कटिंग लगाते हैं तब उसकी कटिंग का होता क्या है, या तो ज़्यादा पानी से ख़राब जाती है, फिर कम पानी से ख़राब जाती है, कई बार उसमें फंगस लग जाती है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे इशू हो जाते हैं उसमें, तो उसकी वजह से हमारी कटिंग प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाती और हम उससे फिर लगता है कि हमारे से कटिंग लग नहीं पाएगी। तो आज जो तरीका बता रहा हूँ मैं, आप वो ट्राई करके देखिए, कन्फर्म आपकी कटिंग लगेगी इसमें। ये मैं दिखाता हूँ आपको, सिंगोनियम का प्लांट है ये वाला, जो सिंगल ये वाला प्लांट है इसमें से ले रहा हूँ मैं ये। आपको करना क्या है, सिंपल सा ये छोटी सी हमें कटिंग लेनी है इसकी। ये इसका आप नोड एरिया देख रहे हैं, यहाँ से इसकी रूट्स निकल रही है, ये इस तरह की रूट्स आपको इसमें मनी प्लांट में भी दिख जाती है आराम से। हमें सिर्फ एक इसमें छोटा सा गड्ढा करके, या फिर गड्ढा भी नहीं करें तो सिर्फ इसके ऊपर रख के यहाँ पर छोड़ दें इस तरीके से इस पर, और ऊपर से इसके ऊपर कुछ वजन रख दें या फिर मिट्टी दबा दें। वैसे तो मिट्टी दबा के आप इसको इस तरीके से छोड़ दें कुछ दिन के लिए, तो आप देखेंगे कम से आराम से 8 से 10 दिन में इसकी कटिंग, ये जो रूट्स है वो इसके अंदर मिट्टी के अंदर चली जाएगी प्रॉपरली, और जैसे वो हो जाए आपको लगेगी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है आगे प्लांट, जैसे इतनी साइज़ का है इससे डबल साइज़ का हो जाए, या फिर इसमें नई लीफ जो आ रही है ग्रोथ करने लग जाए प्रॉपर, तो इंडिकेशन है कि प्लांट आपका प्रॉपर ग्रोथ कर रहा है, कटिंग आपकी सक्सेसफुल लग चुकी है। और यहाँ से आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आप इसको यहाँ से कट कर लें, तो इसको कट करके जो कटिंग है आप उसको ग्रोथ उसमें करने दीजिए। इस तरीके से आप अपने प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो आप उस कटिंग को लगा के दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी रूट्स प्रॉपरली डेवलप हो चुकी है तो प्लांट आराम से सर्वाइव कर लेगा। मैं आपको अपना एक प्लांट दिखाता हूँ जो मैंने इस तरीके से लगाया था, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से रखा था ऊपर से, सिर्फ मैंने छोड़ दिया इसको यहाँ पे, और इसके बाद देखिए इसकी रूट्स यहाँ पे अंदर जा चुकी है इसमें, और ये पूरी तरह से अंदर गई है इसमें, अभी आप खींचेंगे तो कहीं आएगी भी नहीं इसमें, तो मैं चाहूँगा तो इसमें लगे रहने दूंगा इसको यहाँ पे, या फिर मैं अलग से इसको शिफ्ट कर लूँगा, और इसको बस यहाँ से मुझे कट करना है और ये मेरा दूसरा प्लांट तैयार है। तो आप देख सकते हैं इससे एक प्लांट से किस तरीके से आप इतने सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं इसको अलग अलग उसमें करके, और आपको कोई ज़्यादा बड़ी कटिंग लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, छोटे छोटे से नोड एरिया पे जहाँ जहाँ से आपको रूट्स दिख रही है उस एरिया से आप ले सकते हैं, तो उसके पास उसमें नई ब्रांचेज निकल जाएगी, ये देखिए यहाँ पर, तो अभी अच्छी ग्रोथ हो गई आगे इसमें। अब मैं इससे भी और ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इसमें ब्रांचेज आगे। अभी मैंने वंडरिंग जीव की कटिंग भी लगाई है यहाँ पर, तो वो भी देखते हैं कुछ दिन में डेवलप हो जाएगी इसकी, मैंने 4 कटिंग लगाई है इसमें। ये मैंने जो मैं प्लांट लाया था अभी परसों उसी का मैंने लगाया है यहाँ पे, ये देखिए इसी की मैंने कटिंग लगाई है। इसको भी चाहे तो हम इस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे इसका ये नोड एरिया है, इस नोड एरिया को आप मिट्टी में दबा दें तो ये ऑटोमेटिक इसमें से यहाँ से रूट्स इसमें डेवलप होने लग जाएगी, फिर आप इसको सेम तरीके से यहाँ से कट करें और ये वाला प्लांट आपका नया तैयार हो जाएगा यहाँ पे। सेम प्रोसेस आप इसमें स्वीट पोटैटो वाइन में कर सकते हैं, जिसमें भी इस तरीके से नोड एरिया है यहाँ पे, जो ये बेल वाले प्लांट होते हैं इनको आप यहाँ मिट्टी में दबा दें और इस तरीके से इनकी प्लांट्स आप तैयार करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें है स्वीट पोटैटो वाइन के अलावा और भी टर्टल वाइन हो गई, ये सब में आप इस तरीके से ट्राई करके देखिए और कन्फर्म आपके प्लांट की ये ग्रोथ होगी अच्छे से इसमें। इस टाइम आप देख सकते हैं कितनी तेज़ गर्मी हो रही है और अभी प्लांट की क्या हालत हो रही है, पत्तियाँ सबकी लटकी हुई है। यहाँ पर मेरी जो लौकी की वाइन है उसकी हालत है, अभी पत्तियाँ बिल्कुल लटकी हुई है यहाँ पर। आज मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरे अभी आज एक फ्लावर आया था, मतलब आंकड़े का एक पौधा है उसमें फ्लावर बन रहा था, तो उसके बाद इसका जो सीड पॉट बना था इस तरीके से, तो मुझे देखना था इसमें ये मैच्योर होने के बाद क्या बनता है, किस तरीके से होता है, तो इसके बाद जो भी फटा तो इस तरीके से सीड्स निकले यहाँ पे, तो ऐसे पूरा भरा हुआ था ये और पूरा इस तरीके से निकल के उड़ गए यहाँ पे सारे में, ये देखिए। तो ये मुझे बस ये चेक करना था इसमें किस तरीके का निकलता है, इसलिए मैंने इसको रखा था, अब मैं हटा दूंगा यहाँ से इसको। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस तरीके से कटिंग आप लगाने का ट्राई करिए घर पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।